नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सॉरी फॉर 2 डेज़, 2 दिन तक वीडियो नहीं बन पाए बिकॉज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मुझे एक्चुअली फूड पॉइजनिंग हुई हुई है एंड होली थी एंड बाहर का खा लिया था एंड बाहर का मुझे खाना ज़्यादा नहीं डाइजेस्ट हो पाता, मुझे इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। पर फेस्टिवल्स पे यू नो रिलेटिव्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं एंड आप सबको मना नहीं कर पाते एंड उसी का नतीज़ा है कि बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो गई है एंड बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है 2 दिन से। एंड ऑल दो डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी कि मैं थोड़े दिन आराम करूं, पर यह फिर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लैग हो जाती है और इतने सारे मेल्स आए हुए हैं सिर्फ इसी बात पे कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो इसीलिए 2 दिन के लिए क्षमा चाहूँगा। एंड जो है ये मेडिकल इशू है, किसी को भी हो सकता है एंड आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू डैट। एंड बाकी चलो आज की टॉपिक शुरू करते हैं एंड आई गेस आपकी होली अच्छी रही होगी। दोस्तों आज का टॉपिक इस विषय में कि हमें पितरों के निमित्त क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा ये ऐसा काम है जो हमें पितरों के निमित्त नहीं करना चाहिए। ये मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिला और अक्सर कई लोग ये गलती करते हैं कि वो पितरों के निमित्त किया हुआ भोजन या पितरों के निमित्त जो कपड़े होते हैं उन्हें पहनना शुरू कर देते हैं या पितरों के निमित्त दिया हुआ भोजन खाना शुरू कर देते हैं। अक्सर जब हम पितरों के निमित्त थाली निकालते हैं, खाना निकालते हैं, या तो अमावस्या पे या पूर्णिमा पे या फेस्टिवल्स पे या किसी अहम दिन निकालते हैं या फिर जनरल वे में निकालते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि या तो आप उसे गरीबों में बाँट दो या फिर आप मंदिर में दे दो या पंडित को खिला दो ताकि उनके निमित्त दिया जाता है। क्यों बात, जो कर्मकांड करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, तो वो ही ग्रहण करते हैं इसको, या उनके निमित्त जो कपड़े दिए जाते हैं वो भी मंदिर में दिए जाते हैं या किसी गरीब को दिए जाते हैं। कहीं पे भी ऐसा सुनने में नहीं आया है कि आप अपने पितरों के निमित्त कोई चीज़ निकाल रहे हो एंड आप खुद ही उसको यूज़ कर रहे हो। मुझे कई लोगों से सुनने को मिला कि वो गलती ये कर रहे हैं किसी के कहने पे, और वो खुद ही जो थाली मिनस के निकाल रहे थे पितरों के नाम की, वो खुद ही उस थाली को खा रहे थे एंड पितरों के नाम के लिए के जो कपड़े निकाल रहे थे, जैसे 5 कपड़े निकलते हैं जिसमें रुमाल है, अपने कच्छा बनियान है, कमीज है, पैंट है, जूता है या चप्पल है, उसको भी खुद ही यूज़ कर रहे थे। तो ये जो एक्ट है ये बहुत गलत है। चाहे अगर कोई फीमेल के निमित्त आप निकाल रहे हो साड़ी वगैरह, या किसी मेल के थ्रू के लिए निकाल रहे हो कपड़े जो इस दुनिया में नहीं है, या भोजन निकाल रहे हो, कभी भी खुद उसको कंज्यूम मत करो, खुद यूज़ मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने लिए परेशानी मोल लोगे, क्योंकि आप इस एक्ट से, इट इज़ एन इम्प्लाइड इन्विटेशन इन योर बॉडी, आप अपने शरीर में उन्हें स्थान दे रहे हो, आधिपत्य जमा रहे हो अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी पे उनका। यू नो हम पितरों को नमन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको चाहते हैं, उनका योगदान रहा है हमारी लाइफ में, बट इट डजेंट मीन कि हम उनकी जो उपस्थिति है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि हमारी खुद की डे टू डे एक्टिविटीज़ भी मुश्किल हो जाएं। ऐसा करने से दे विल यूज़ योर बॉडी एंड विल एक्ट ऑन इट्स ओन, वो अपने हिसाब से ही आपके जीवन को चलाएंगे। आप थोड़ी सी भी कुछ भी अपने हिसाब से करना चाहोगे, अगर उनके विरुद्ध हो रही है वो चीज़, तो या तो आप एकदम बीमार पड़ जाओगे या कोई और बात हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई वैसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी बात आपने नहीं मानी। और इस तरीके से उनके निमित्त आप निकाल के खुद ही ग्रहण कर रहे हो, तो आप अपने शरीर पर आह्वान कर रहे हो उस भोजन के माध्यम से और उस कपड़े के माध्यम से, क्योंकि आपने किसी के निमित्त दे दिया जो इस दुनिया में नहीं है, कि भाई ये खाने की चीज़ तुम्हारे निमित्त है या ये कपड़ा तुम्हारे निमित्त है। तो जब कोई भारी बंदा उसको पहनता है तो वो उससे बस तृप्त होते हैं, क्योंकि उससे कोई लिंकेज नहीं है, देयर इज़ नो बॉन्डिंग ऑफ लव रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप, इनमें दोनों ही चीज़ें नहीं आए। जब ना लव रिलेशनशिप है ना ब्लड रिलेशनशिप है, तो सामने वाले को, भारी इंसान को, वो कपड़ा पहनते देख या वो भोजन ग्रहण करते देख, उन्हें वैसे संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ चलो मेरे निमित्त किसी को खिला दिया गया या मेरे निमित्त किसी ने कपड़ा पहन लिया। पर जब बात आपकी आ जाती है और आप खुद, क्योंकि उनसे लव रिलेशनशिप से भी जुड़े हुए हो, ब्लड रिलेशनशिप से भी जुड़े हुए हो, चाहे चेन आपकी जनरेशन की एक छलांग आगे है या एक छलांग पीछे है, चाहे डायरेक्टली कनेक्टेड है या फादर के थ्रू कनेक्टेड है या मदर के थ्रू कनेक्टेड है, तो भी एक जेनेटिकली, एक बायोलॉजिकली बॉन्ड बना हुआ है, डेट यू आर कनेक्टेड जनरेशन वाइज
ऐसे में जो पितर होते हैं दे बिलीव के नहीं, क्योंकि ये हमारी ही जनरेशन है, हमारा ही बंदा है, हमारा खून का नाता है, हमारा लव का नाता है, हमारे इमोशंस अटैच हैं, तो व्हाई नॉट यूज़ द बॉडी, व्हाई नॉट इसके शरीर पे आके ही क्यों ना हम अपने उस भोजन को ग्रहण करें, उस कपड़े का लुत्फ़ उठाएँ, उस शरीर का लुत्फ़ उठाएँ। और अक्सर प्रेत योनि में जाने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। हमारी इस दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं, शर्म है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ यूँ कह लीजिए अलग हो जाती है। देर इज़ नो वे ऑफ यू कैन से, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती। हर इंसान की जो हमारे यहाँ पे बंधन है, सोसाइटी टैग्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। ना आप उन्हें देख सकते हो, पर वो इसी चीज़ को एक बहाना ले लेंगे, एन एक्सक्यूज़ ले लेंगे कि आपने खुद उनका आह्वान किया थ्रू दिस फूड, थ्रू दिस क्लोथ्स जो आप यूज़ कर रहे हो या जो आप कंज्यूम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि पितर आपका अच्छा था या बुरा था, या किसी बात से नाराज़ था या खुश था। अगर ऐसा कुछ था तो वो चीज़ भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। अगर नाराज़ था या किसी नेगेटिविटी से मरा था, और कोई नेगेटिविटी उसके साथ है, कोई जिन है, कोई प्रेत आत्मा उसके साथ है जो उसको लेके गई है, और आप उसके निमित्त भोजन खा रहे हो, उसके निमित्त हुआ हुआ कपड़ा पहन रहे हो, तो वो तो आपके शरीर पे आएगा ही, वो दूसरी नेगेटिविटी भी आपके उसके साथ, आपके शरीर पे उसी पावर के साथ, उसी हक के साथ आधिपत्य जमाएगी। तो ये जो एक प्रथा कई लोगों ने चला दी है, कई तांत्रिक बेस चीज़ को बोल देते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, लोगों के जज्बातों के साथ क्यों खेला जा रहा है, क्यों लोगों को सही चीज़ नहीं बताई जा रही, ऐसा क्यों किया जा रहा है। एंड बहुत लोगों ने गलतियाँ की हैं, एंड जब बहुत ज़्यादा वो पितर हावी होने लगा, उन पे परेशान करने लगा, अपना हक जमाने लगा, तब उसके बाद उसको निकालना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुद उसको इतने टाइम से इनवाइट करते रहे हो थ्रू फूड एंड थ्रू क्लोथ्स, एंड उसके बाद भी आप खुद उसे यूज़ कर रहे हो, आप उसके निमित्त दे रहे हो, कहीं और दे रहे हो वो बात अलग है, आप मंदिर में दे दो, कहीं धर्म स्थल पे दे दो, तो वहाँ वो तृप्त रहेंगे, बस उनकी ऐसी डिज़ायर नहीं रहेगी कि अनजान इंसान पे जाएं वो। पर आपके केस में, एक लव्ड वन के केस में, एक फैमिली मेम्बर के केस में, अक्सर मोहवश, अक्सर लगाववश, अक्सर अफेक्शन, अटैचमेंट, एंड एक इस बात की सिक्योरिटी एंड श्योरिटी डेट दिस पर्सन इज़ आर पर्सन, ये हमारा ही बंदा है, ये आइडियोलॉजी अक्सर उसको मजबूर कर देती है आपके साथ एक अटैचमेंट बनाने के लिए, जो कि सही नहीं है। जो भी आपने रिस्पेक्ट देनी है उसको एक हद तक दीजिए, जब हद से पार आप खुद बढ़ जाओगे तो वो भी हद से पार बढ़ ही जाएंगे। तो मेरे पास अक्सर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो लोगों के ने जो गलत रिचुअल्स करे हैं, गलत चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं, चाहे उन्हें पता नहीं था, चाहे गलत लोगों ने उन्हें गाइड किया, पर इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि उन्हें उस चीज़ से निकाला जाए, उबारा जाए, बचाया जाए। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, ताकि अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप रोक दें, ऐसा कर ना करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको परलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत रोग से परेशान हैं तो मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी धुनी के बारे में, चाहे सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, आप कवच या लॉकेट मंगा के भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।